नमस्कार, मैं हूं सांत्वना और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, तो अब बस इंतजार है तो अधिसूचना जारी होने का, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वैसे तो प्रत्याशी अभी से ही मैदान में उतर चुके हैं और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि इस बार का पंचायत चुनाव कई मामलों में खास होने जा रहा है। उसमें से एक यह भी होगा कि इस बार के पंचायत चुनाव में 6 लाख कर्मचारियों का गठन होगा, जिसमें कि 14,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको विस्तार से। बिहार में पंचायत चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलों में चुनाव संबंधी तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य में इस वर्ष 6 लाख से अधिक मतदान कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मियों की सूची एकत्र की जा रही है, ताकि अलग अलग बूथों पर उनकी तैनाती की जाए। आयोग सूत्रों के अनुसार राज्य में करीब 1,14,000 मतदान केंद्रों का गठन किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्येक बूथ पर 6 मतदान कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसमें पीठासीन पदाधिकारी की संख्या 1, मतदान पदाधिकारी 1 व मतदान पदाधिकारी 2 की संख्या 1-1 और मतदान पदाधिकारी 3 की संख्या 3 होगी। आयोग के अनुसार मतदान दल की नियुक्ति करते समय जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत निर्वाची पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी को मतदान केंद्र पर अपरिहार्य कारणों से उनकी अनुपस्थिति रहने पर पीठासीन पदाधिकारियों के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे। आयोग के निर्देशानुसार पीठासीन पदाधिकारी मतदान दल के अन्य सदस्यों से हमेशा संपर्क कायम रखेंगे व ईवीएम की प्राप्ति के लिए मतदान की समाप्ति तक सामूहिक उत्तरदायित्व के बाद ईवीएम व अन्य कागजातों को जमा करने के सिद्धांत का पालन करेंगे। सभी मतदान पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी के मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। आयोग के अनुसार मतदान दल के सभी सदस्यों को मतदान पूर्वाभ्यास में अधिक से अधिक शामिल होना होगा। इन्हें ईवीएम व बैलेट बॉक्स के परिचालन तथा इससे संबंधित मतदान प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेना होगा। गौरतलब है कि इस बार राज्य में ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों माध्यमों से एक साथ पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। तो आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि सारे पंचायतों में अलग से पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, ताकि पंचायतों में स्वास्थ्य व शिक्षा की प्राप्त जानकारी मिल सके, ताकि सरकार उन योजनाओं पर और काम कर सके और पंचायतों को विकसित कर सके। तो अभी के लिए पंचायत चुनाव में बस इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।